हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल RL Study Point में। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है जो कि क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है स्टूडेंट। ठीक है, इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, और एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की बुक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका वास्तविक हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मीन्स की आपको समीकरण बना करके इलिमिनेशन प्रोसेस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया सेकेंड। देखिए सेकेंड में क्या है, जरा क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, है ना। कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए तो पहले आप पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, लिखता हूं माना नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। ठीक है, मैंने नूरी को x लिया और सोनू को क्या लिया, y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मैंने आयु पहले याद कर लीजिए, है ना। क्या लिखता हूं, 5 वर्ष पूर्व आयु। तो देखिए आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि जब हम पूर्व की बात करते हैं तो वहां पे घटाया जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है, अगर बाद की बात करते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है, जोड़ा जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर नूरी की बात करें तो नूरी का हो जाएगा एक्स माइनस 5 और यदि सोनू की बात करें तो ये हो जाएगा वाई माइनस 5। प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी थी, अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो सोनू में 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सोनू के एज में मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 गुनी मतलब 3 से मैंने इसमें गुणा किया, दोनों बराबर होंगे। इसको हल करके एक समीकरण बनेगा, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो x माइनस 5 इजिकल टू 3y माइनस 15, ब्रैकेट ओपन किए भाई, ट्रांसपोजिट कीजिए, x माइनस 3y इजिकल टू, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 15 और इधर आएगा प्लस 5 हो जाएगा, डायरेक्टली मैं 10 राइट कर दे रहा हूँ बच्चों, माइनस 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 13 होगा। ठीक है, ये समीकरण एक बना। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब पहले मैं ज्ञात करता हूं 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद आयु, क्या लिखता हूं, 10 वर्ष पश्चात आयु। तो क्या होगा दोस्तों, अगर नूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 और अगर सोनू की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा वाई प्लस 10। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं करता हूं प्रश्नानुसार
अनुसार तो क्या होगा मेरे दोस्तों, x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। यही कह रहा प्रश्न एक बार पीछे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी जो आपका नूरी है इसकी दोगुनी हो रही है, मैं सोनू में 2 से गुणा करूंगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इधर ट्रांसपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर देखिए प्लस में 2y है, पक्षांतर करेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू इधर देखिए प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस होगा, 20 माइनस 10 करेंगे 10, ये समीकरण 2। ठीक है, अब आपसे क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन नहीं इलिमिनेशन विलोपन विधि से हल करना है। तो अब आप जरा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, तो यहां देखिए x का दोनों पक्ष क्या है, धन में है पॉजिटिव है, y का दोनों निगेटिव है, मतलब समीकरण को हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाते हैं दोस्तों। चलिए लिखेंगे क्या, विलोपन विधि से करना है, लिखते हैं समीकरण एक से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण एक से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए घटाते हैं, तो यहां से क्या होगा, जो समीकरण एक है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो यहां भी माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस से कैंसिल होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2y माइनस 3y हल करेंगे तो माइनस y, क्यों, क्योंकि 3y क्या है बड़ा है और 2y छोटा है, लेकिन ये माइनस में है तो चिन्ह उसी का आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y का मान कितना मिला 20। y कौन है, सोनू, सोनू का आयु कितना हो गया 20 वर्ष। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है नूरी का, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, y का मान समीकरण एक या दो जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख सकते हैं, चलिए मैं एक में रख देता हूं, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, यह है समीकरण एक, तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 तेईस 60 होगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 60 x बराबर 50। तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष है ना, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना आया है, वाई की वैल्यू 20 वर्ष। ठीक है, ये है मेरे दोस्तों इस प्रश्न का, जो कि प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है, उसका संपूर्ण हल। ठीक है, जो भी हमारे फ्रेंड्स वीडियो को देखे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।